झट बताए हॉकिंस 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 प्रेशर कुकर विश्वसनीय। लेकिन ये मॉडर्न प्रेशर कुकर हमेशा से ऐसा नहीं दिखता था। इसकी शुरुआत होती है 1679 में, जब डेनिस पेपिन, जो एक साइंटिस्ट और एक इन्वेंटर है, उन्होंने अपने स्टीम डाइजेस्टर को इन्वेंट किया। पेपिन ने लंदन के रॉयल सोसाइटी में अपने डाइजेस्टर को प्रेजेंट किया, लेकिन सेफ्टी वाल्व की कमी की वजह से वो फट गया। इसके बाद 1682 में स्टीम डाइजेस्टर का रिफाइंड वर्जन आया, जो खाना पकाने और बोन्स को सॉफ्ट करने में परफेक्ट साबित हुआ। अब चलिए जानते हैं इंडिया में प्रेशर कुकर की शुरुआत कैसे हुई। ईयर 1869 वेस्ट बंगाल में संतोष और रुक्मणी ने आइस में कुकर इंट्रोड्यूस किया, और फिर 1950s तक प्रेस्टीज और हॉकिंस ने इंडियन मार्केट में एंट्री ली। हॉकिंस और प्रेस्टीज ने घर घर जाकर प्रेशर कुकर को यूज करने का तरीका बताया और लोगों को बताया कि प्रेशर कुकर से न सिर्फ समय बचता है, बल्कि एक एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीका है फ्यूल बचाने का। उनकी इन्हीं एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स ने प्रेशर कुकर का खूब प्रचार किया। उनकी टैग लाइन जैसे, जो बीवी से सचमुच करते प्यार, वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार, अव्वल क्वालिटी का प्रेशर कुकर, बचत करे बरसों चले। और उनकी यही मार्केटिंग स्ट्रेटजी का नतीजा है कि आज हर घर में प्रेशर कुकर पाया जाता है।